देख रहे हो मेरी बहन को क्या हाल? देखो पिज्जा दे दे बाबा बोल रही है और कोई दे के भी चले गए। मतलब मजा आ रहा है क्या, एक नंबर मौसम है बैंगलोर का, मतलब ठंडा लग रहा है, जैकेट पहन के आया हूँ मैं आज। आजीवी को देखो कहाँ चढ़ गई है, छिपकली हमारी। रोड की हालत आप लोग चालू करते वार्म अप क्योंकि है बहुत ठंड, बॉडी को गर्म करना पड़ेगा पहले, उसके बाद चालू करेंगे गेम। तो कैसे आप लोग, हम लोग जा रहे हैं अभी मॉल, फिनिक्स मॉल। मेरे साथ में कौन है देखो, राजू जाके क्या करेंगे अपन वहाँ? क्लाइंबिंग, आज बारिश नहीं हुई तो हम लोग जाके करेंगे क्लाइंबिंग। राजवी करेगी क्लाइंबिंग क्योंकि आप लोग जानते ही हो राजवी क्या है, सुपर गर्ल। सुपर गर्ल है, देखते जाके बेटा कितना ऊपर जाती है। हम लोग जा रहे हैं फिनिक्स मॉल और जाके क्लाइंबिंग करेंगे। देखो मामा जा रहा है मेरे साथ। तो हम लोग पहुंच गए फिनिक्स, दीदी राजवी को लेके गई है क्लाइंबिंग करवाने, लेकिन देखे हम लोग की क्लाइंबिंग तो आज बंद है, तो देखते हैं अब क्या करना है। बहुत भीड़ है, गाड़ियों की पार्किंग देख सकते हैं, ये तो बाहर है और अंदर तो इससे भी ज़्यादा पार्किंग होगी। तो अभी तो क्लाइंबिंग बंद है, 2:30 बजे के बाद खुलेगा, तब तक अपन लंच कर लेते हैं। फोटो सेशन चल रहा है राजवी का, ये देखो राजवी का फोटो सेशन। तो हम लोग आ गए अभी फूड जोन, तो दीजू जा रहे हैं पिज्ज़ा लेने। हम लोग खोजते पहले टेबल खोजना पड़ेगा ना, यहाँ पे टेबल खोजना पड़ता है, जैसी खाली होती है लूटना पड़ता है। तो हम लोग का खाना आ गया है ये देखो। हाँ राजवी क्या खा रही है? मैं तो पिज़्ज़ा खा रही हूँ और पिंकी पार्सल की। अच्छा इतना खा जाएगी राजवी अकेले? नहीं ये पिज़्ज़ा नहीं खाऊंगी, ये पिंकी पार्सल ना पेट। अच्छा ये देखो जीजू को। इसके बाद अगर बारिश नहीं हुई तो मैं क्लाइंबिंग करने जाऊंगी। हाँ इसके बाद राजवी खा के एनर्जी गेन कर रही है, उसके बाद क्लाइंबिंग करेगी ना राजवी। अगर खुला होगा तो नहीं। हाँ तो हम लोग का खाना वगैरह हो गया है, अभी आए हैं क्लाइंबिंग करने। तो राजवी हो रही है तैयार, दी तू भी क्लाइंबिंग कर ले। नहीं भाई वॉल की चिंता है मुझे, कहीं ये वॉल हाँ भसक के नीचे आ जाएगा। अंकिता क्लाइंबिंग करोगे? इसको तो जरूरत ही नहीं, ऐसी घंटी बजा देगी। हेलो। तो ये राजवी कर रही है क्लाइंबिंग, देखते हैं कहां तक जाती है। राजवी बुढ़ीक बाल खा रही, बुढ़ीक बाल बुढ़ीक बाल। तो हम लोग घूम रहे हैं फिनिक्स में, पूरा सजा हुआ है फिनिक्स, आज यहाँ प्रोग्राम भी है, पता नहीं तैयारी हो रही है, डीजे वीजे लग रहा है, शॉपिंग काउंटर्स भी लगे हुए हैं आज यहाँ पे। एक नंबर माहौल है आज फिनिक्स में। क्या देख रहे हो? अच्छा मुझे लगा लकड़ी के। तो अभी यहाँ प्रोग्राम चालू होने वाला है, तब तक थोड़ा टाइम पास कर रहे हैं, उसके बाद बैंड है आज यहाँ, बैंड का फंक्शन है, तो उसके बाद बैंड वैंड सुनेंगे बढ़िया बैठ के। तब तक के राजवी को करना है ये जंपिंग जैक्स। मेरे को तो हर चीज में मजा आता है, मैं तो ये भी करती हूं। यहाँ चल रहा है बैंड पार्टी, तो हो गया है। अब हम लोग यहाँ पे हल्की हल्की बारिश चालू हो गई है, तो अब हम लोग चाह रहे हैं घर फिनिक्स से। वैसे मैं जीजू के साथ आया हुआ था बाहर सामान लेने, अभी जीजू के यहाँ जा रहे हैं, फिर जीजू कुछ बनाएंगे रात में खाने के लिए, और सुबह हमको 4 बजे उठ के फिर जाना है, कल मैच है सुबह 5 से 7। तो अभी सामान लेते हैं फिर जाते हैं घर, फिर आप लोग से मिलते हैं घर में। तो हम लोग आ गए हैं अभी घर बाहर से सामान लेके। देखो जीजू क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हो जीजू? कुकिंग, नूडल्स बन रहा है। और अब से हम लोग सब्जी वब्जी बाहर लेने नहीं जाएंगे, क्योंकि सब्जी वाले का शॉप जीजू घर में लगा दिए हैं बोल के। ये देखिए
दादा ही कौन कौन सब्जी है? सबको है वो, सबको है। ये सब्जी वाली बेटी है। जीजू नूडल्स बना रहे हैं और राजवी उसी को उठा उठा खा रही है। ये देखो तो अभी चल रही है पार्टी। देखो राजवी मेरे को अभी बोल रही है कि ये ऑमलेट बना के खिलाऊंगी और मम्मी को खिलाती हूँ। मैं तो मान नहीं सकता क्योंकि ऑमलेट बच्चे लोग तो बनाने का एकदम हलवा तो है। दिखा दूंगी आज ही मामा को, फिर समझ में आएगा। लेकिन मेरे पापा नहीं आज, हाँ आज नहीं, या पापा इसलिए मना कर रहे हैं क्योंकि ये आता नहीं है, मैं इसको इसीलिए मना कर रहा हूँ। अरे आता है। और इसको तो मैं राजवी को बोला हूँ कि जब भी बनाएगी मेरे को बुला लेना, सामने बनाएगी मैं वीडियो भी बनाऊंगा, सबको दिखाना पड़ेगा सबको कि अपने हाथ से बना रही है। सब देखेंगे, सब देखेंगे। फिर आप लोग से मिलते हैं कल सुबह सुबह सुबह। हमको 4 बजे निकलना है, 5 बजे से 7 बजे तक हम लोग का मैच है बैडमिंटन का, तो 5 बजे के पहले पहुंचना है। और जहां जाना है वो यहां से लगभग 15 किलोमीटर दूर है, तो हम 4 बजे 4:15 बजे निकल जाएंगे। सुबह के 5:30 है हुए है और देखो ट्रैफिक देखो अब बेंगलोर में सुबह 5:30 बजे। सोचा था खाली रोड मिलेगी, फटाफट भगाते हुए पहुँच जाएंगे, लेकिन कहाँ मिलना है खाली रोड, तो बेंगलोर में सपना है। तो गुड मॉर्निंग गाइस, जैसा कि आप लोगों को बोला था सुबह 4 बजे उठ के जाना है 5 से 7 खेलने, तो मैं आ गया हूँ कोर्ट में। तो हृदेश भैया यहाँ पे हैं, मैं हूँ, भैया भी हैं और भी लोग आ रहे हैं, तो अभी हम लोग का हो जाएगा गेम चालू। तो गाइस गेम अभी हो गया है, हम लोग 5 to 7 खेले, उसके बाद थोड़ा वार्म अप करके स्ट्रेचिंग करके फिर अभी चाय पीने उड़ुपी जा रहे हैं। उड़ुपी जा रहे हैं और बहुत अच्छा वीकेंड रहा, नेक्स्ट टाइम कोशिश करेंगे। अभी गाड़ियाँ निकल रही हैं, कम से कम 12 से 13 लोग हैं, पूरी टीम निकल रही है अभी चाय पीने। अभी हम लोग आ गए हैं उड़ुपी, चाय कॉफ़ी चल रहा है। उड़ुपी विदेश भैया कैसा लगा फिर आज? मज़ा आया आपसे? बहुत बढ़िया, बस पानी अपना आम और अच्छे से कर ले। आई थिंक वी आर एक्सपेक्टिंग सैटरडे विल हैव मोर गेम्स, बेटर गेम्स, और इसमें कोशिश करेंगे लाइव गेम सबको रिकॉर्ड पहुँचा देना। आई विल बी टेकिंग रेस्ट फॉर नेक्स्ट 3 to 4 डेज, आफ्टर दैट आई विल कंटिन्यू। पूरा काम हुआ है, अब पता नहीं पाइप डाले अंदर, वायर डाले हैं, बहुत कुछ काम हुआ है। अब ये रोड बनेगी कब? जहाँ अपन आते हैं खेलने बैडमिंटन क्लब, यहाँ भी जाते हैं, और एक स्पोर्ट्स पार्क है वो भी सामने आगे है, वहाँ भी जाते हैं शाम को। वैसे मैं स्पोर्ट्स पार्क जाता हूँ। तो गाइस अपन अभी चल रहे हैं स्पोर्ट्स शॉप, कुछ सामान लेना है मेरे को। आजकल क्या रेगुलरली अपन बैडमिंटन खेल रहे हैं तो हाथ में थोड़ा मेरे राइट हैंड में स्ट्रेन आ गया है, थोड़ा पेन है, खेलते समय वापस से आ जाता है, तो उसके लिए थोड़ा सा एक क्रैप बैंडेज अपने को लेना है, वो लेने जा रहा हूँ मैं। और ऑफिस का भी काम चल रहा है इसलिए फटाफट जाना है और फटाफट वापस भी आना है ताकि हाथ का पेन फिर से ना आए, क्योंकि एक बार अगर पेन आ जाता है खेलते खेलते तो उसके बाद आपका जो परफॉर्मेंस है वो 50% हो जाता है गेम के अंदर। इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि हाथ का दर्द है जो जल्दी से जल्दी सही हो जाए। चलो चलो चलो, हो गया ग्रीन। गाड़ी भी देखिए कितनी गंदी है, क्योंकि बहुत दिन से 15-20 दिन से खड़ी थी। यहाँ पार्किंग का बहुत दिक्कत रहता है, देखते हैं पार्किंग की जगह है कि नहीं है, और अगर गलत जगह खड़ी कर दो ना तो गाड़ी कब उठा लेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये गाड़ी अपन खड़ी कर दिए हैं पार्किंग में, अभी चलते हैं। ये है अपना वेस्ट कोस्ट स्पोर्ट्स बंदे, मुझे लगा ही था ये क्या है, यहाँ शायद मिल जानी चाहिए। ये तो फैशन के लिए है ना, वो खेलने वाला जो मोटा आता है ना लगाने के लिए, जैसे पेन वेन रहता है हाथ में तो पेन ना आए, वो नहीं है। कहाँ पे भैया? नीचे बंद है, बंद है। ये तो भाई अपने को फैशन वाला दिखा रहे थे, फैशन वाला अपने को चाहिए नहीं, अपने को क्रैप चाहिए। भाई इधर पार्किंग तो है ना? हाँ पार्किंग है।
तो भाई वहाँ थोड़ा सा आगे जाने के लिए अपने को इतना लंबा आके यू टर्न लेके जाना पड़ रहा है। अब देखो हम लोग को वो बिल्डिंग में जाना है, अब कैसे जाएंगे अपन, मतलब कितना कन्फ्यूजन है। वहीं गाड़ी पार्क करके कहीं पैदल चले जाना था अपने को। अपन आए अभी किया मोटर्स, हृदेश भैया का कॉल आया था, मिल लेता हूँ, कहाँ है पता नहीं। तो मैं आया था हृदेश भैया से मिलने किया मोटर्स। भैया अपने को टेस्ट ड्राइव दे रहे थे इसकी, कार्निवल की, लेकिन आज नहीं लेंगे भैया क्योंकि अभी थोड़ा मीटिंग वगैरह है, बाद में लेते हैं। तो ये अपनी कार्निवल, तो हृदेश भैया कल मुलाकात होती है, मिलते हैं कल सुबह। हाँ हाँ, कल डबल्स खेलते हैं। हाँ हाँ, चलो भैया मिलता हूँ, ठीक है। मेडिकल मिला, यहाँ सामान मिलता है कि नहीं जो अपने को चाहिए वो देख लेते हैं। चलो बॉस जल्दी भागो, 15 मिनट में मेरी मीटिंग है, जल्दी घर पहुँचना है। तो गाइस देखा आप लोगों ने, बड़े मुश्किल से हम लोग को क्रैप बैंडेज मिला हाथ के लिए, अब फाइनली पहन लिए हैं और अभी 3-4 दिन अपन रेस्ट लेने वाले हैं, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे बैडमिंटन को। और तो इस वीडियो को अपन यहीं एंड करते हैं, होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर इंस्टाग्राम में मुझको फॉलो नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरी आईडी यहां दिख रही है, इंस्टाग्राम आईडी, उसको जाके फॉलो कर लीजिए। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बी सेफ, बाय बाय।